हेलो दोस्तों नमस्कार मैं अतुल आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों और रिजर्व बैंक के एक नए आदेश के बाद इन दो शेयर्स में भयंकर गिरावट आई है और अभी इन दोनों स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे और बताएंगे कि आगे आपको क्या रणनीति अप्लाई करनी चाहिए जिसमें कि आपका पैसा और आपकी वेल्थ की सेविंग कर पाएँ और आप बड़े नुकसान से बच पाएं और एक भयंकर गिरावट आई है लगभग बीस से बाईस तक ये स्टॉक्स दोनों ही फ्राइडे सेशन में गिरे थे आर का एक नया आदेश आया था जिसका पालन इनको करना ही पड़ेगा एक नई रेगुलेशन या कह लीजिए कि एक जब आ, रेगुलेशन नई नहीं, नहीं है पुरानी ही रेगुलेशन है एक तरीके का कंप्लाइंस है जो कि इनको एक तय समय में पूरा करना पड़ेगा इस पूरे वीडियो में हम आगे की सारी चर्चा करेंगे और बताएंगे आप सभी को तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और अगर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो तो दोस्तों शेयर करना ना भूलें जिससे जिस किसी के पास भी इन दो शेयर्स के अंदर निवेश है तो वो सही एक्शन ले पाए समय रहते दोस्तों ये दोनों शेयर्स इक्विटास और उजीवन फिनेंस दोनों स्माल स्मॉल जो बैंकिंग स्मॉल फाइनेंस के स्टॉक्स माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं दोनों ही और अगर हम देखेंगे तो 22 परसेंट तेईस परसेंट की लगभग गिरावट इक्विटास में बंद हुई है बंद होते समय और उजीवन भी लगभग सत्रह पॉइंट सात तीन परसेंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है तो फिलहाल मैं दोनों ही काउंटर्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि अगला लेबल्स कहाँ तक हो सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 22 अप्रैल 22 अप्रैल को 22 अप्रैल के वीक में इक्वटास की लिस्टिंग हुई थी 2016 में जबकि मई के मंथ में लिस्टिंग हुई थी उजीवन आ, जो फिनेंस है माइक्रो फिनेंस कंपनी है उसमें आप देखेंगे पिछले दो सप्ताह से 26 अक्टूबर और ये दो ये दो सप्ताह दिखा रहे हैं मैं आपको यहाँ पर लाइट पर दिखाता हूँ जस्ट अ मोमेंट आई थिंक समथिंग कुछ चार्ट पे कुछ इशू है बट मैं आपको डेली चार्ट दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे ये ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर का जो जो कैंडल तैयार हुआ है ये एक बहुत ही बियरिश और गैप डाउन कैंडल तैयार हुआ है और सबसे जो खराब बात है इस काउंटर की फिलहाल इस वक्त जो सेंटीमेंट्स की वो ये है कि बहुत ही बड़े वॉल्यूम के साथ गिरावट आई है इसका जो एक बड़ा सपोर्ट लेवल था वन जीरो फाइव पॉइंट सेवन का सपोर्ट था जो कि ऑलरेडी टूट चुका है फ्राइडे को और काउंटर ने जो अपना लो टच किया था वो काउंटर ने अपना लो टच किया था सेवेंटी सेवन रुपीज पैसे का ये डेली कैंडल में एक क्यूटास का काउंटर था उसने जो अपना लो हिट किया था 77.85 के हिट किया था और जो क्लोजिंग आई है वो नाइन्टी नाइन की क्लोजिंग है जबकि हाई लेवल टच किया था वन जबकि आप देखेंगे ट्वेंटी अक्टूबर को वन पॉइंट नाइन का हाई था और जो क्लोजिंग थी वो वन ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री टू फाइव की थी और जो लो था वन ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव का था यानी कि लो से भी नीचे खुला काउंटर अब जब लो से भी नीचे खुलता है काउंटर लगभग सिक्स रुपीज़ का एक बड़ा गैप है यहाँ से एक बड़ा वॉल्यूम लगभग आप देखेंगे कि करीब एट करोड़ के आसपास का एट पॉइंट फाइव करोड़ के आसपास के एक बड़े वॉल्यूम के साथ काउंटर में गिरावट आई है काउंटर ने लगभग सेवेंटी सेवन रुपीज़ का लो टच किया है और अगर आप पीछे जब से होल्डिंग हुई है तब से देखेंगे जो वॉल्यूम्स थे वो काफ़ी छोटे वॉल्यूम्स के साथ यानी कि जिस दिन काउंटर लिस्टेड हुआ था केवल उसी दिन काउंटर ने अपना हाई टच किया था लगभग वन सेवन फोर्टी का और उस दिन ही काउंटर का लगभग तेरह करोड़ का वॉल्यूम था उसके अलावा काउंटर ने बहुत ही लो वॉल्यूम से ट्रेड किया तो अब आप समझ सकते हैं कि काउंटर ने एक बड़े वॉल्यूम के साथ यानी कि जिन लोगों ने उस वॉल्यूम उस वक्त एंट्री ली थी वो ऑलरेडी ज़्यादातर लोग वहाँ से एग्जिट हो चुके हैं हायर लेवल्स पर अब फिलहाल यू नो स्टॉक में एक अच्छी गिरावट हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगी तो मुझे लगता है लगभग सेवेंटी रुपीज़ का लेवल हमें इक्विटास में आने वाले समय में देखने को मिलेगा तो आप लोगों को आ, अगर होल्ड करना है देन तो होल्ड कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है बिकॉज कितना टाइम लगेगा इसको रिकवरी होने में ये फिलहाल अभी आ, देखने वाली बात है इसमें हम आगे चर्चा करेंगे इसके अलावा आप अगर देखेंगे उजीवन फिनंस में तो उजीवन फिनास में भी अगर मैं बात करूँगा एक बड़े गैप के साथ काउंटर ने ओपन की थी और क्लोजिंग भी लोअर लेवल पर दिया जो अपना लो हिट किया था वन सिक्सटी का लो हिट किया इसने भी बड़े वॉल्यूम के साथ गिरावट देखिए देखिए बड़ी बड़ी कैंडल्स खड़ी हैं बड़े बड़े डंडे खड़े हैं लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम का जो लेबल है वो काफ़ी ऊंचा रहा है लगभग 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 2.5 करोड़ के वॉल्यूम के साथ गिरावट आई है और ये लिस्टिंग डे के बाद से ये सेकंड कैंडल रहती है जो कि हाईएस्ट है वॉल्यूम के प्रोस्पेक्टिव से तो यहाँ पर भी इस काउंटर में मुझे लगता है 150 155 तक के लेवल्स हम आने वाले समय में देख सकते हैं अच्छा इसमें गिरावट का जो कारण है वो भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आर ने एक इनको एक यू नो कंप्लाइंस का इशू है जो भी आप कह सकते हैं इकटास होल्डिंग इज इवन फाइनेंशियल प्लान 18 टू 23 परसेंट आफ्टर आर बी आई आस्क सेपरेट लिस्टिंग ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब ये भी एन की तरह काम करती हैं तो यूरो जो भी रेगुलेशंस है जो भी जब लाइसेंस दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल बैंक ने कहा था कि भाई लिस्टिंग के तीन आ, सालों के अंदर इनको जो भी अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उनको सेपरेट लिस्टिंग देनी पड़ेगी तो इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक की सेपरेट लिस्टिंग करानी पड़ेगी इक्विटास को रुजीवन फाइनेंस को और जहाँ पर जो प्रोमोटर्स की है उसको फोर्टी परसेंट तक उनको मेंटेन करना पड़ेगा ओके अब यहाँ पर आपको देखेंगे अप्रैल में और मई में, में इन दो महीनों में जीवन और इक्विटास की दोनों की लिस्टिंग हुई थी तो नेक्स्ट ईयर यानी कि अप्रैल 19 और मई 19 तक इनको मैक्सिमम दोनों ही कंपनीज को स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह एक सेपरेट लिस्टिंग आ, करानी पड़ेगी तो शेयर्स ऑफ द इक्वटास एंड दीवन फाइनेंशियल सर्विसेज फैल एटीन टू ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ द फ्राइडे एज इन्वेस्टेड टर्म वेरी ऑफ आर बी आई लेटर टू एन टीटीज ऑन द लिस्टिंग ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक ओके तो यहाँ पर बहुत उजीवन एंड है इक्वटा टोल्ड एक्सचेंज डर बी आई रीट्रेड दिस रूल अलॉन्ग प्रमोटर शेयर होल्डिंग एट फोर्टी परसेंट और फॉर द फाइव ईयर पीरियड इन्होंने कहा कि रीट्रेड किया किया है आरबीआई ने दोनों ने ही बोला है ठीक है जिसमें कि जो जो आपकी शेयर होल्डिंग है उसको पांच साल के लिए यू नो शेयर होल्डिंग को होल्डिंग करना है फोर्टी परसेंट तक द बैंक एंड द कंपनी आर कमिटेड टू कंसिडर ऑल द अप्रोप्रिएट मेजर्स टू इंश्योर द टाइमली कंप्राइज ऑफ द अब डायरेक्टर्व ऑफ द आर बी आई

मतलब दोनों ने इन्होंने कह दिया कि जो नवंबर वन टू थाउजेंड एटीन और नवंबर टू टू थाउजेंड एटीन दोनों के हिसाब से कंपनी ने कंसिडर की ठीक है इन्होंने दोनों ही जो बोर्ड मीटिंग हुई थी नवंबर एक को और नवंबर दो को जो कि रिस्पेक्टिवली दोनों की बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने इस चीज को कंसिडर किया द फर्दर स्टेप टू गेट द शेयर्स अच्छा इन द व्यू ऑफ द सेट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट द बोर्ड ऑफ स्माल फाइनेंस एट दुड बीडरिंग इन दियर एंड बोर्ड मीटिंग शेड्यूल टू नंबर एक और नंबर दोनों दोनों की बोर्ड मीटिंग्स होने वाली है जिसमें कि यह इस चीज को कंसिडर करने वाले हैं द फर्दर स्टेप टू गेट द शेयर ऑफ द ई एस एफ बी एल लिस्ट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड नंबर दो अप्रोचिंग आर बी आई फॉर द अप्रूवल टू मर्ज विद द बैंक एट द अप्रोप्रिएट टाइम पोस्ट लॉक इन पीरियड तो यहाँ पर यह बात करने वाले हैं साथ ही अभी मैक् ने क्या बिलीव दैट दूव इन द दीवन फाइनेंशियल एज एन आई पी ओ फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक इन द ड्यूअल लिस्टिंग एंड अट्रैक्ट ए होल्डिंग डिस्काउंट इट हाई दैट ड्यू टू डेट फॉर दीवन इज जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड फॉर द इक्विटासप्टेंबर नाइनटीन मतलब Ujeevan को सेप्टेंबर नाइनटीन तक सेपरेट uh, लिस्टिंग करनी है और uh, जो आपका उजीवन है उसको जनवरी 2020 तक सेपरेट लिस्टिंग करनी है तो वो क्या लिस्टिंग का जो नया आईपीओ आएगा उसकी जो प्राइस होगा वो हो सकता है कि इस प्रेशर की वजह से डिस्काउंटेड रेट में अवेलेबल हो जाए सो गाइज यहाँ पर ये एक बड़ी न्यूज़ थी जिसके चलते गिरावट रही और दोनों ही को अभी एक एक साल का समय है अप्रोक्सीमेटली यहाँ से जबकि उनको जो भी जो स्मॉल फैंस जो बैंकिंग है उसको यूनिट को सेपरेटली लिस्ट करना है आरबीआई के रेगुलेशन के हिसाब से और यही एक प्रेशर था जिसकी वजह से जो निवेशक थे उनको एक फियर हुआ और वो वहाँ से निकल के भागे तो so, फिलहाल मैं यही कहूँगा कि आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट आ, काउंटर्स में मिल सकता है और लगभग मुझे लगता है कि अभी उस में लगभग 150 का टारगेट अचीव हो सकता है और इक्विटास के अंदर लगभग 60 से 65 का रेंज आपको देखने को मिल सकता है इन द कमिंग मंथ्स में तो दोस्तों इसके हिसाब से आप अपना जो भी आपका टारगेट्स है जो भी आपका नज़रिया उसको सेट कीजिएगा और यू you नो know, जो लोग अभी निकलना चाहते हैं तो वो निकल भी सकते हैं बिकॉज़ अभी गिरावट थमेगी नहीं अभी गिरावट इन दोनों ही काउंटर में और भी आएगी सो so, दोस्तों इसी तरह के इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे और कुछ और नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ हम लोग आपके आने वाले वीडियोज में आपके साथ दोबारा से मिलेंगे तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए हमारा चैनल जुड़े रहिए और अगर आपको कोई वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे जिन लोगों के पास भी वो जीवन या क्विटास के अंदर होल्डिंग है तो वो एक्चुअल में समझ पाए कि आगे इन दोनों ही काउंटर का फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या भविष्य हो सकता है सो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच